हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। बहुत लोगों का डिमांड का बाद आज मैंने आप लोग के लिए लेकर आया हूं वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी पैटर्न से और सीडीएस पैटर्न से, और सबसे बड़ी बात जो ओसीएस जो आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उनका भी डायरेक्ट 5 से 10 क्वेश्चन इससे पूछता है हमेशा हर साल। और मैंने आपको टारगेट बना रखा हूं कि 200 क्वेश्चन दे दूंगा और 200 क्वेश्चन का अंदर मैक्सिमम वर्ड रिपीटशिप होगा। लगभग नया वर्ड हम लोग 100 से 150 वर्ड हम लोग पढ़ेंगे और इन्हीं में से आपका सारे क्वेश्चन आता रहेगा, ये गारंटी मेरा है। बीच में जो नया वर्ड आएगा इनका रिलेटेड जितना वर्ड से मैंने सारे डिस्कशन करते निकलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, पहला क्वेश्चन लिखा गया एक बुक कंटेनिंग द समराइज इंफॉर्मेशन। सबका बारे में, अगर हर ब्रांचेस का बारे में इंफॉर्मेशन कोई कैरी करता है तो उसको हम एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया आप कभी भी नेट खोलते हैं तो किसी का ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उसको नीचे लिखता है एनसाइक्लोपीडिया। उसका बारे में हर तरीका का इंफॉर्मेशन हम लोग का पास होता है। अगर डिक्शनरी बोलेगा, डिक्शनरी होता है क्या ना, एक बुक है जो हर वर्ड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपना मीनिंग और दूसरा लैंग्वेज का मीनिंग देता रहता है और इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। स्पेशली वर्ड्स अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसको हम बोलते हैं डिक्शनरी विथ मीनिंग। मीनिंग होना जरूरी है। और एक वर्ड होता है एंथोलॉजी। सब लोग को हमने पहले से बताया था, कुछ लोग का दिमाग में ये भी है एंथोलॉजी का मतलब होता है पोएम। नहीं, ये लिटरेचर वर्क है, एक कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है उसको फॉलो करना, बहुत सारे बुक्स कलेक्शन को फॉलो करना उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। इट्स ए लिटरेचर वर्क। नेक्स्ट वाला एक वर्ड लिखा गया डायरेक्टरी। ये जनरली हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़े हैं। ये एक ऐसा डायरेक्टरी है जहां हम लोग हर एक आदमी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर उसी तरह डाटा हम लोग प्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। ये सारे उसी का रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। दूसरा वाला वर्ड लिखा गया हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग, किसी का बात छुप छुप के सुनना, इसी को हम बोलते हैं हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग। किसी को प्राइवेट बात को छुप छुप के सुनना, वो स्पाई तो नहीं हो सकता। सर स्पाई क्या है ना, छुप छुप के डाटा कलेक्शन करना उसको बोलते हैं स्पाई। स्पेलिंग तो नहीं हो सकता, अपना मन में कोई बात बोल देना इसको हम स्पेलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वाला आगे बढ़े, एक वर्ड लिखा गया एवेस ड्रॉपिंग। एवस ड्रॉपिंग का मतलब होता है कोई बात तो छुप छुप के सुनना, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वाला एक वर्ड लिखा गया मुरमरिंग। मुरमरिंग का मतलब होता है अपना मन में कोई चीज रुक गया और उसको गुनगुनाना लॉन्ग टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं मुरमरिंग। बोलते हैं ना, क्या बात करते हो, थोड़ा बड़ा आवाज में बात करो, मतलब खुद से कुछ हो सकता है, कोई दूसरे का साथ भी हो सकता है, मतलब गुनगुनाना जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मुरमरिंग। नेक्स्ट वाला, तीसरे वाला, सेलिब्रेशन ऑफ कोई डेट और इवेंट। मैं आपका ये जान बुझ के कंफ्यूजन वर्ड डाला हूं, सर इसमें कौन सा ऑप्शन आपको एग्जैक्ट मारने से सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा एनिवर्सरी। ये किसी भी वर्ड के लिए लग सकता है, डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, कोई भी वर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम एनिवर्सरी बोलते हैं, ओपनिंग एनिवर्सरी, कुछ भी वर्ड्स के लिए लगा सकते हैं। लेकिन अगर बर्थडे बना देंगे तो ओनली बर्थडे के लिए, जुबली बना देंगे तो कुछ ईयर्स में होता है जैसे गोल्डन जुबली, 25 ईयर में सिल्वर जुबली, उसी तरह। नेक्स्ट एक वर्ड होता है सेंटेनरी। सारे सेंटेनरी का मतलब होता है पर्सन ऑफ 100th ईयर, जिसको 100 साल हो गया उसको हम बोलते हैं सेंटेनेरियन। बट सेलिब्रेशन ऑफ 100th ईयर इसको हम बोलते हैं सेंटेनरी। मैं बार बार बोलता हूं, आप खाली सुनने जाओ, खाली जैसे सोते हो ना, सोने का टाइम पे आंख बंद करके खाली सुनते जाना। डेली में एपिसोड छोड़ता जाऊंगा, एक दिन छोड़ के आप सोते टाइम खाली सुनते जाना, सुबह उठ के जस्ट रिमेंबर कर देना, वो हो जाएगा अपने आप। और इसका डाटा चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल में इसको लोडिंग कर दूंगा, इसका डाटा सारे। नेक्स्ट पोस्टेड करें, वन हु सेक्रीफाइज वन्स लाइफ फॉर ए कॉज, किसी दूसरे के लिए अपना जिंदगी गवा देना उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर का मतलब होता है जैसे देश के लिए कोई मरता है उसको हम बोलते हैं मैटर, इसलिए सोल्जर लिख दिया। सोल्जर हमेशा थोड़ी मरते हैं, वो फाइटिंग करते हैं, मरने का मूड पे नहीं होता है, जो मर जाता है उसको मैटर बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, किसी के लिए कोई जान देना कोई बढ़िया काम के लिए। और एक वर्ड लिखा गया पैट्रियोट। एक पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, अपना देश का हर चीज उसका जैसे बोलते हैं ना रंग रंग में बसा है,
उसको हम बोलते हैं पैट्रियट्स। एक वर्ड लिखा गया रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशन का मतलब होता है ड्रामाटिक चेंज, इसको बोलते हैं ड्रास्टिक चेंज, जिसको हम बोलते हैं ड्रामाटिक चेंज और ड्रास्टिक चेंज, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी। बट मैटर याद करना, कोई आदमी अगर इसलिए सोल्जर को बोलते हैं मैटर क्योंकि देश के लिए वो लोग शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट वाला एक वर्ड लिखा गया कस्टम्स हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, जिसका बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। एंड्री का मतलब होता है हस्बैंड, ये मोनो भी पूछता है और बाई भी पूछता है, बाई मतलब दो, मोनो मतलब एक, पॉली मतलब बहुत सारे। एक वर्ड होता है पॉलीग्लॉट, जो मल्टी लैंग्वेज जानते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट, मल्टी लैंग्वेज जो बोल सकते हैं लिख पाते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। कभी कभी बाइलिंगुअल भी बोलते हैं इनको, बाइलिंगुअल मतलब जिसको दो लैंग्वेज आता है, और इसको बाइग्लॉट भी कुछ जगह पे लिखा जाता है, और खाली लैंग्वेज जो जानते हैं बहुत सारे उनको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पॉली मतलब होता है बहुत सारे। नेक्स्ट वाला होता है पॉलीसेक्सुअल, जो बंदा मेल एंड फीमेल दोनों का साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है उसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्सुअल, बहुत सारे लोगों का साथ रिलेशन रखता है हम इसको बोलते हैं पॉलीसेक्सुअल। और इसको बाई भी होगा दो, बट पॉली मतलब बहुत सारे लोगों का साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना। बट अगर डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से जाएंगे मेल एंड फीमेल दोनों का साथ ये लोग रखते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड होता है पॉलीगामी, पॉलीगामी मतलब होता है मैरिज, इसको याद रखिएगा। माइसोगामी यहीं से आया हुआ, मैंने बोला जो जो वर्ड आएगा मैं बोल दूंगा। माइसो मतलब होता है हेट, जो मैरिज को हेट करता है उसको बोलते हैं माइसोगामी। एक वर्ड होगा फिलोगामी, जो मैरिज को लव करता है, फिलो मतलब होता है लव, जो लव करता है ज्यादा मैरिज करते रहते हैं उनको बोलते हैं फिलोगामी, और लेडीज को जो लोग लव करते हैं। एक वर्ड लिखा गया पॉलीगामी, जिनका एक से ज्यादा वाइफ होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीगामी। एक से ज्यादा हस्बैंड होंगे तो पॉलीएंड्री, एक से ज्यादा वाइफ होंगे तो उनको बोलते हैं पॉलीगामी। हियर इज द ऑप्शन। नेक्स्ट लिखे एक सैड सॉन्ग, ये हमेशा पूछता है, रेगुलर क्वेश्चन है, एक फिलिस्टाइन और एक सैड सॉन्ग रेगुलर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मैं एक एक करके बोलते जा रहा हूं, ये शॉर्ट एंड सिंपल सॉन्ग होगा तो उसको डीटी बोलते हैं, इसको डीटी बोलते हैं शॉर्ट एंड सिंपल सॉन्ग। डायरेज जिसको याद रखना यही आपका आंसर है, जिसको बोलते हैं सैड सॉन्ग, डायरेज का सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला लिखा गया नेल, के एन ई एल एल, नेल का मतलब होता है साउंड ऑफ ए बेल, स्पेशली जब कोई फेडरल सेरेमनी में बजाते चर्च में आप लोग देखे होंगे उनको बोलते हैं नेल, दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एक वर्ड होता है ले, ले मतलब होता है पड़े रहना, ले मतलब होता है अंडा देना उसी का सेंस में, बट ले का मतलब जनरल सॉन्ग होता है, ये सॉन्ग सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं जिसको आप लोग ले बोलते हैं, ये उसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट प्रोसीड करें, एक वर्ड लिखा गया ए पर्सन हु गोज ऑन हॉर्स बैक, जो हमेशा हॉर्स बैक में बैठ के जाता है, इसका मतलब होता है हॉर्स राइडर। तो सर क्या मीनिंग होगा, मैंने एक एक करके बोलते जा रहा हूं आप देखते जाओ। इसको हम बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन, जो हमेशा हॉर्स राइडिंग करते हैं जक्की का ऊपर लेके, इसको हम बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन, जो हॉर्स बैक में राइडिंग करता है। एक वर्ड होता है एपिक्योर, इसका मतलब होता है ग्रीडी सेंस में यूज करते हैं, मन में हमेशा लालचा होता है, इसको हम लोग ग्रीडी सेंस में यूज करते हैं। एक वर्ड होता है सिनेक्योर, सिनेक्योर का मतलब होता है नो वर्क हाई पेमेंट, जिसको मिलता है उसको बोलते हैं सिनेक्योर। ये बर्निंग टॉपिक अभी है क्योंकि जियो बाइडेन का जो बेटा है उसको चाइना सिनेक्योर डिक्लेयर कर दिया, पर काम ना करो आपको पैसा मिलता रहेगा, ये अभी बर्निंग इशू है। नेक्स्ट वाला एक वर्ड लिखा गया कॉन्सर, ये बहुत एक्सपर्ट है, इसको एक्सपर्ट भी लिख सकते हैं, जॉज भी लिख सकते हैं, वेरी एक्सपीरियंस ओल्डर भी लिख सकते हैं, ये कॉन्सर होते हैं। इनका ऑपोजिट पूछता है कभी कभी, इनका ऑपोजिट होगा नोवाइस, जो न्यू है, जिसका पास एक्सपीरियंस बड़ी कम है उसको नोवाइस बोलते हैं। जितना वर्ड्स हम बोलते हैं शायद आपको इसी टाइम याद नहीं रहेगा, मैं बार बार बोलता हूं, जब आप फ्री टाइम इधर उधर जाते हैं, फालतू टाइम यूज करते हैं, कान में ईयरकड लगा के खाली सुन लो, बाइक चला रहे हो कान में ईयरकड लगा के सुनते जाओ, सो जा रहे हो सोने का से पहले इसको ईयरकड लगा दो, कहीं दोबारा शायद पढ़ना ना पड़ेगा आपको, ये दिमाग में पूरा घुस जाएगा।
नेक्स्ट वाला, ए पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसस प्लीजर। सेंसस प्लीजर जो हमेशा फॉन्ड अप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं एपिक्योर। सेंसर प्लीजर मतलब समझते हैं, मन में जो उसका लालचा होता है, खाने का हो सकता है, घूमने का हो सकता है, पहनने का भी हो सकता है, बेसिकली इसको हम खाने का सेंस में यूज करते हैं एपिक्योर। समय से याद रखना, एपिक्योर मतलब होता है लालचा, सेंसियस प्लीजर मतलब लालचा। दूसरा वाला एक वर्ड होता है फिलैंडर, ये फिल मतलब होता है लवेबल, एंड्री लिखता तो हस्बैंड होता, बट ये मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन रखता है, इसको हम बोलते हैं फिलैंडर। एक वर्ड होता है चालतान, सर इसका मतलब होता है जो फ्रॉड होता है बेसिकली, ए पर्सन फॉल्स क्लेमिंग, फ्रॉड होता है जिसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रॉड टाइप का पर्सन। एक वर्ड होता है फिलिस्टाइन, में अभी बता रहा था रेगुलर क्वेश्चन है फिलिस्टाइन, इसी साल ओसीएस में पूछा है फिलिस्टाइन, देख लीजिएगा, जो हमेशा मना करता है कि कोई चीज, कोई जो हमेशा मना करता है किसी का ब्यूटी और किसी का कलर को देखने के लिए या वैल्यू देने के लिए, इसको हम बोलते हैं फिलिस्टाइन। आप इसको सेंट का सेंस में भी यूज करते हैं, साधु संत भी उसी तरह होते हैं बेसिकली, वो अपने काम पे काम रखते हैं, किसी को देखते तक भी नहीं। नेक्स्ट एक लुका गया बिलो द सरफेस, सरफेस का नीचे, लोग इसको सब सरफेस मारते हैं बट बेसिकली आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये सब सरफेस नहीं है, ये होगा सबटेरिया एरिया का सेंस में होता है, दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन होगा सबटेरिनियन, इसको याद करिएगा, लोग इसको मार के आ जाते हैं बट ये गलत वाला ऑप्शन है, यही वाला सही है जो नीचे मार होता है सब सरफेस, इसका मतलब होता है किसी सरफेस का नीचे कोई एक्साइटमेंट हुआ, एक्साइटमेंट मतलब समझते हैं ना, कोई चीज जैसे बोलते हैं ना, कोई आप बोल सकते हैं वल्गार, आप बोल सकते हैं कोई भी चीज जिसे हिलचा, जैसे हिला या कोई चीज, तो उसी को हम ये मारते हैं, आप लोग मारते हैं बिलो द सरफेस, मतलब होता है कि सब सरफेस होगा, नहीं इसका आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट वाला एक वर्ड होता है अबोर्टिव, सर मतलब अबोर्शन वर्ड से आया है, कोई चीज का मतलब, मतलब अबोर्शन वर्ड से आया है ये, अबोर्शन मतलब होता है प्रोडक्ट से पहले निकाल देना, प्रोडक्शन से पहले उतार देना, उसी सेंस में हम इसको यूज करते हैं, फेलिंग टू प्रोडक्ट, फेलिंग टू प्रोड्यूस, इसी सेंस में यूज करते हैं। एक वर्ड होता है सरेप्टियस, सरेप्टियस हमेशा आपको पूछता है कोई चीज को सीक्रेट रखना, जिसको आप क्लैंडेस्टाइन बोल सकते हैं, सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट थॉट, उसको हम बोलते हैं सरेप्टियस, ये हमेशा आप लोग को पूछता रहता है। ए पर्सन विथ फुल डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑन बिहाफ ऑफ ए कंट्री, उसको सारे पावर दिया जाता है, वो सारे रिप्रेजेंट कर देता है, जैसे किसी भी कोई ये एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, कोई मिनिस्टर भी हो सकता है, बिहाफ ऑफ ए कंट्री, उसका हाथ में सारे पावर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, प्लेनिपोटेंशियरी, और ये होता है उसका आंसर प्लेनी पोटेंशियरी, ये होता है उसका आंसर प्लेनी, याद करिएगा। एम्बेसडर, आप लोग एम्बेसडर मार के आ जाते हैं, क्योंकि हमारा देश से ये दूसरा देश में जाके रिप्रेजेंट करते हैं, बट पावर इनका हाथ में सारे नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट से परमिशन लेते रहते हैं, बट ये बोल रहा है कि उसका हाथ में सारे पावर होनी चाहिए। एक वर्ड होता है एमिशरी, एमिशरी मतलब होता है कोई एक ही काम के लिए, किसी डिप्लोमेटिक काम के लिए उसको भेजा गया, ये एम्बेसडर का सिनोनिम है बट अलग अलग मीनिंग है, ये हमेशा उधर रहते हैं और ये कोई पर्टिकुलर काम के लिए गया, उसको हम बोलते हैं एमिशरी। मैं जानबूझ के रिलेटेड पूछा हूं ताकि आपका डाउट हो। एक वर्ड होता है एनवॉय, जैसे बोलते हैं ये किंग का मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरह कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे मीटिंग चल रहा है मीटिंग में अब मेरे तरफ से यही रिप्रेजेंट करेगा, एक ही मीटिंग के लिए इनको बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं एनवॉय, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जब एवरीथिंग का बात आता है तब ओमनी का बात आता है, हर चीज हर जगह ये ओमनी होता है, तो यह होगा ओमनी भरोस, भरोस का मतलब होता है जो सब खा लेता है, उसको बोलते हैं ओमनी भरोस। और दूसरा वाला एक वर्ड होता है ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट का मतलब होता है पोटेंट मतलब पावरफुल, जो ऑल पावरफुल गॉड को बोलते हैं ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान जिसको बोलते हैं। अगर इसको ओमनी सेंट बोला तो इसका मतलब होता है
ओमनीसेंट का मतलब नॉलेज का सेंस में, ये साइंस वर्ड से आया है, इसको बोलते हैं नॉलेज का सेंस में। और एक वर्ड होता है ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब समझते हैं हर जगह पे प्रेजेंट है, बट यहां पे आंसर होगा ओमनी भरोस। नेक्स्ट वाला एक वर्ड होता है एम्बासडर, मैंने अभी बता रहा था ये रिप्रेजेंटर होते हैं लेकिन सारे पावर इनका हाथ में नहीं होते हैं। इनसॉल्वेंट मतलब होता है जो लोन नहीं दे पाता है, जिसको आप बोलते हैं आप हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। वन हु इज नो इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, जो बंदा कोई एक चीज के साथ खुश नहीं होता उसको बोलते हैं फस्टिडियस, जिसको दुखी आत्मा बोलते हैं हम हमेशा। जो बंदा कोई एक ही चीज में कभी खुशी हो ही नहीं सकता उसको हम बोलते हैं फस्टिडियस। एक वर्ड होता है मेडन, मेडन होता है फास्ट एक्टिविटी ऑफ लाइफ, फास्ट एक्टिविटी, कोई भी फास्ट एक्टिविटी होगा इसको हम लोग मेडन बोलते हैं। पेसिमिस्ट मतलब होता है अपोजिट सेंस में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। अगर ऑप्टिमिस्ट होता यही जगह पे तो इसको हमने होप सेंस में यूज करते हैं और पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। ये पेसिमिस्ट नेगेटिव होप है। नेक्स्ट वाला वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब होता है डेंजरियस, डेंजरियस सिचुएशन, वल्नरेबल टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए बड़ी खराब है, इसको हम वल्नरेबल बोलते हैं। नेक्स्ट वाला एक वर्ड होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, किसी का माध्यम से आप देख नहीं पाते, किसी का माध्यम अगर हो गया तो होगा उपाक, ये किसी का माध्यम से आप देख नहीं पाते इसको बोलते हैं उपाक। बट अगर इनविजिबल होता तो किसी में कहीं भी नहीं देख पाते, यहां पे माध्यम भी जरूरत नहीं है, इसको हम बोलते हैं इनविजिबल। दूसरा बात ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब होता है एक्सपायर, नो लॉन्गर इन यूज, इसका कोई काम ही नहीं है, आउटडेटेड हो गया, जिसको बोलते हैं आउटडेटेड, ये होता है एक ऑब्सोलेट। एक वर्ड होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जो आगे पीछे आप लोग बिल्कुल देख पाएंगे, शीशा ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसी तरह ये है, मैंने आपके लिए इसी तरह छोटा छोटा एपिसोड बना दूंगा, कमेंट्स पक्का लिखिए, अगर स्पीड हो रहा है कमेंट्स लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको 100 वर्ड आपको इसी तरह दे देने के लिए। एग्जाम में डायरेक्ट इसी से रखा जाएगा, हर एपिसोड आप देखते जाओ, चैनल को शेयर करते जाओ, मैं आपके लिए डेली नया नया चीज लाते रहूंगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।